कहते हैं शुद्ध गाना और बजाना। हाँ किसने दादाजी? हेलो, आपके जमाने की धुन है। हाँ जमाना तो करीब फसाने बनेंगे। चाहो मेरे रामू भाई, उसको कहते हैं शुद्ध गाना और बजाना। मिटेगी न उनसे मोहब्बत हमारी, न आने के सो सो बहाने बनेंगे। दादाजी सुनिए, क्या बहाने बनेंगे। मेरा प्यार वो है, मेरा प्यार वो है, क्या मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न दे। आइए महाराज जनक के यहाँ जब धनुष यज्ञ हुआ, सुनिए दादाजी, कोशिश कर रहा हूँ, प्रथम चक्र है, गीत रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ रामायण जब इतने दिन से हुई है तो मैं जानता हूँ जनमानस में रामायण का बहुत बड़ा ज्ञान होगा। दादाजी कोशिश कर रहा हूँ, पहला गीत है, बहुत सुंदर। जब धनुष यज्ञ हुआ और उस धनुष को राजा उठाने की तो बात छोड़िए, हिला तक नहीं पाए। ना बेटा ना। और जब धनुष नहीं हिला तो जनक राज जी थोड़े से उदास हुए और सभा में आकर कहने लगे, सुनिए क्या। जनक राज जी कहने लगे, बचन वो लखन लाल तत्काल। जब बचन सुने लखन लाल खड़े हुए और खड़े हुए तो आज जनक राज जी से कहने लगे, क्या भाई। हारे महीपत बल आजमा कर जनक राज ने तब बचन सुनाए। पृथ्वी कहा तो सुन कर लखल्ला गुस्से में छाए।
और गुस्से में आए। तो कहने लगा जनकराज, हाँ लखनलाल जी कहने लगे क्या, अगर हो प्रभु का अगर हो प्रभु का आदेश मुझको, अगर हो प्रभु का आदेश मुझको पप्पू भैया, हवाओं के मैं तो रुख मोड़ दूंगा। अगर हो प्रभु का आदेश मुझको, हवाओं का मैं तो रुख मोड़ दूंगा, लेकिन कब मोड़ दूंगा, कब ये धनुवा तो क्या है, क्योंकि ऐसे धनु मैंने बहुत तोड़े हैं, तोड़े ही लड़काई, इसीलिए ये धनुवा तो क्या है। नूतन भाई जय हो, ये धनुवा तो क्या है, ब्रह्मांड को ही कच्चे घड़े की तरह फोड़ दो, ये धनुवा तो क्या है, ब्रह्मांड को ही कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूंगा, लेकिन फोड़ कर दूंगा क्या बात, अगर हो प्रभु का आदेश मुझको, इसलिए सुनिए द्वितीय बंद सुनिए क्या बात, क्योंकि कहा है क्या, जो तुम्हार में आयस पावो कंदुक सम ब्रह्मांड उठाओ, जय हो, इसलिए सुनिए हनुमान जी जिस समय लंका पहुंचे तो बहुत छोटे से स्वरूप में थे, माँ सिया को शंका पैदा हो गई, उन्होंने कहा माता मेरे प्रभु आएंगे और निश्चरों को मार करके आपको ले जाएंगे, लेकिन देखा कि सब हनुमान जी इतने छोटे हैं तो माता ने सवाल कर दिया, है सुत कब सब तुम्हें ही समाना, क्या पूरी सेना तुम्हारे ही समान है, तो सुनिए हुआ क्या, जय हो, बचन सुन सिया के आशीर्वाद है दादा का धर्मवीर भाई तुम्हारे लिए, कभी कभी मिलता है किसी किसी को मिलता है, जय हो जय हो, ये भी दादा है, पर्ची आ गई, और देखिए ये 20 रुपए का आशीर्वाद हुआ है, आदरणीय सुनिए आदरणीय दादा राजू दादा एंड पार्टी नकला मुखराम फिरोजाबाद कोट कोटे आशीर्वाद चाहूंगा, और देखिए ये 100 रुपए का आशीर्वाद हुआ है आदरणीय भैया साहिल खाद बीज भंडार, जय हो जय हो, जलेश्वर कुमार इनकी जलेश्वर वालों की तरफ से आशीर्वाद चाहूंगा, सुनिए कहा आज हनुमान जी ने वचन सुने तो क्या किया, सुने वचन सुन सिया के शंकर सुमन ने श्री राम कहे कर पतन को बढ़ा, कनक भूदराकार सरिया, सुनिएगा जब रूप बिखीरा हनुमत का देखा जनक नंदनी को विश्वास आया, जनक विश्वास आया
लगे हनुमान जी ये ना पढ़े तो क्या है माता ये ना पढ़े तो क्या है इन सभी राक्षसों को ये रावण तो क्या है सभी राक्षसों को लंका सहित सिंधु में छोड़ दो लंका सहित सिंधु में छोड़ दूंगा लेकिन कब अगर वो प्रभु का आदेश मुझको हवाओं का मैं तो अब सुनिए अब यहां क्यों कहा सुनिए दूर अब ही मात में जाऊं लबाई पर प्रभु आयस नहीं राम दुहाई जय क्योंकि प्रभु का आदेश नहीं है नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगा एक जगह और सुनिए जब अंगद रावण की सभा में पहुंचे और पहुंचे तो रावण ने बहुत कुछ कहा उन्होंने क्या अरे तुझको तो पानी में डूब के मर जाना चाहिए तो उसकी सिफारिश मुझसे करने आया है जिसने तेरे बाप को मार दिया जब वार्तालाप हुआ और हुआ तो सुनिए अंगद क्या कहने हिला पैर मेरा ना कहने लगे अरे हिला पैर मेरा ना और किसी पे सभा में तू अपने मन में बनता हिला पैर मेरा ना किसी पे सभा में तू अपने मन में बनता धुरंधर और सुन सुन तूने मुझे बंदर कहा है सुनिए तेरी ये लंका मुझको है कूलर तेरे लिए मैं हूँ एक बंदर तेरे लिए लेकिन कहां ने रावण राम कहे राम और राम कहे राम आज्ञा नहीं है राम कहे राम आज्ञा नहीं है पर ना ये दस मुख अभी तोड़ दो जिद्दी मैं जिद्दी भैया से नहीं कह रहा हूँ ना 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 कहेंगे क्योंकि ऐसा अंगद ने कहा मैं तब दसन तोड़वे लायक पर आयस मोइन दीन रघुनायक यह बात बिल्कुल कायदे कानून से होगी राम कहे राम आज्ञा नहीं है पर ना ये दस मुख अभी कब तोड़ दूंगा अगर वो प्रभु का दादाजी अगर वो प्रभु का जो आदेश मुझको गीत में कुछ नहीं है ना 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 बस यही बात है अगर प्रभु का आदेश हो तो मैं ऐसा कर दूंगा बिल्कुल अगर वो प्रभु का आदेश मुझको हवाओं का मैं तो रो
मुख मोड़ दो। जय हो जय हो जय हो। बहुत सरल सा कट भी सुनिए सुनिए। अरे कब तक जवानी छुपाओगी रानी, अरे कब तक जवानी छुपाओगी रानी। इन कुवारों को कितना सताओगी या कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी। अगर जिद्दी भैया हाँ मुझसे इनसे शादी करो। क्योंकि धर्मवीर एक बढ़िया हमारे दादा ने पास कर दिया। देखिए कहा है हरी जवानी में कैसा ढलागे बुढ़ापा। अरे जवानी में कैसा ढलागे बुढ़ापा। क्यों अरे पिता बेटे जैसे बेटे जैसे है पापा। अरे जवानी में कैसा ढलागे बुढ़ापा। पिता बेटे जैसे बेटे जैसे है पापा। तो पिता पुत्र का कैसे नाता रहेगा। सेंटर भैया हाँ सुनिए। आज लड़ाई जिद्दी भैया से नहीं है। ना 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 जिद्दी भैया से मेरे छोटे भाई है। ओ, उनके लिए छूट है आज। पूरी पूरी छूट है। लेकिन आज लड़ाई है हमारे पेंटर भैया की और श्रीपाल भैया की। वो भी ऐसी लड़ाई नहीं है। ना 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 कलम की लड़ाई है। ओ, बिल्कुल कायदे कानून की लड़ाई। और पिता पुत्र का कैसे नाता रहेगा। दादाजी और कौन पापा कहेगा। कौन पापा कहेगा। आइए जल्दी जल्दी महामंत्र सुने। जय हो जय। राधे तूने छोड़ा आशीर्वाद हुआ है। आदरणीय दादा पंकज प्रधान जी पछियापुर वालों की तरफ से आशीर्वाद चाहूंगा। राधे तूने छोड़ा दीवाना तरीके। राधे तूने सुनिए। राधे तूने छोड़ा दीवाना तरीके। Yeah!
जवाबी जय हो दौर लेकर के आ रहे हैं आदरणीय भैया जितेंद्र जिद्दी जी। जय हो।